हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो अभी की सबसे बड़ी स्टेट और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आगे जो जिनका भी CHSL की एग्ज़ाम SSC CHSL की एग्ज़ाम होने वाली है और SSC मेंस के जिसके भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और आप वीडियो देख के जाएँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये वीडियो को स्किप करेंगे तो वो एग्ज़ाम सेंटर पर थोड़ा परेशानी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अभी कोरोना के जो काल में चल रहे हैं उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण एक नोटिस डाला गया है SSC CHSL की तरफ से, क्या कि COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो एक भर के ले जाना है और बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पे बात करूंगा और A to Z आपको समझाऊंगा क्या क्या आपको प्रोसेस दिया गया है। यदि इससे पहले आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से पहले मैं आपको और आपके बारे में बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बताऊँगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसके नीचे में भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, लेकिन आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो अभी आपको मैं प्रिंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से PDF डाउनलोड करके आप उसमें से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आप पहले फोटोकॉपी करवा ले। यदि वो फोटोकॉपी आप नहीं ले जाते हैं सेंटर पे तो आपको दिक्कत हो सकता है, और फोटोकॉपी करने वाले को ज़रूर बोले कि मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल के दे, क्योंकि वो आपको सिर्फ पहला पेज आपको निकाल के दे देगा तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम में। चलिए पहले तो अभ्यर्थी के लिए समान निर्देश क्या है ये पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर ले जाऊँगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और क्या क्या नोटिस डालेगी मैं आपको सारी बात करूंगा। इस पर पहले मैं बात करता हूं। देखिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित, ये सब चलिए ये सब तो आपको पता ही है, जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बात करता हूं। देखिए, इस बार आपको सबसे पहले बात किया गया है कि आपको तो प्रवेश पत्र ले ही जाना है, इस बार पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम 2 फोटो आपको ले जाना है, उसके बाद तो ये तो आपको पता ही है, कम से कम 1 फोटो युक्त वैध पहचान पत्र आपको ले जाना है। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पहले मैं ये आपको नोटिस पढ़ लेता हूँ, इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, तो और सबसे बड़ी बात गौत है जो आप जो ले जाएँ प्रमाण पत्र उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा में लिखा रहे, ये आपको भी बताया गया कि पूरा लिखा रहे डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए, एक वो फेस मास्क आप ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं, छोटी बोतल चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर है आपको, और पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। और देखिए, यही महत्वपूर्ण है, प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया COVID-19 स्वघोषणा पत्र आपको प्रिंट आउट ले जाना है, मतलब आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वही है स्वघोषणा प्रमाण पत्र। इस पर मैं अभी बहुत लंबी चर्चा करूंगा, पहले मैं आपको देख सकता हूं नोटिफिकेशन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो पहले दिखा सकता हूं। तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है परीक्षा से एक दिन पहले चल जाएँ, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेन जो है बंद है और 12 तारीख से आपकी एग्ज़ाम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप ये सब तो आपके लिए पहले भी नियम था, जो नए आए हैं वो आप जैसे ये सब आपको पता ही है कि कुछ पहन के नहीं जाना है, रफ़ काज के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे, मतलब पेन और पेपर जो आपको परीक्षा केंद्र में दिया जाएगा, लैब निगरानी विद्युत निगरानी के अधीन होगा, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए तो अब मैं सबसे पहले देखिए, अभ्यर्थियों को COVID-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने हुए प्रवेश पत्र के आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान LTT प्रावन हस्तलेख रनिंग हैंडराइटिंग में प्रमाण पत्र व्यक्त और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखो ये अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं आपको दिखाता हूँ तकनीकी कारण से, तो ये आपको पूरा दिया गया, निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा ये कुछ भी। और देखिए, और यदि सर्वर आपको धीमा होता है तो इसकी हानि प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके हुए हकदार हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा के दौरान अनियमितता दिखाई देती है तो सीधे क्षेत्रीय कार्यालय आयोग की इसकी सूचना दें, ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मतलब आपको इस बार ये ऑफर दिया गया है कि आप यदि आप किसी को देख रहे हैं कि वो चीट उट या कुछ हो रहा है तो आप इसकी गोपनीय सूचना दे सकते हैं। और देखिए, आपके लिए और क्या है, ये तो आपके लिए दृष्टिहीन के लिए है और कुछ नहीं है, तो अब मैं आपको चलूँगा सीधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये तो सही बात है, यदि आप नशे में होंगे तो आप परीक्षा देने
कैसे आएंगे। देखिए, और सबसे बड़ी बात है ये है COVID-19 के संबंध में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है। इसके बाद जो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो प्रिंट आउट करके निकालना है, उस पर भी मैं बात करूँगा, पहले ये देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन SSC से जुड़ी हो या बैंक से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन और ऐसी जानकारी जो कहीं पर नहीं मिलती वो जानकारी आपको Study 96 में मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। कर्मचारी चयन आयोग अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए COVID-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सामाजिक दूरी के मापदंडों को लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियात कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सामाजिक दूरी मानदंडों और निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन न करने पर दोषी अभ्यर्थियों के सख्त खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। COVID-19 महामारी के आलोक में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुँचे। ये महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा स्थल पर पहुँचने पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें, दो अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अभ्यर्थियों के रोल नंबर, लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेश पत्र और पहचान प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र की फ्लैशिंग अभ्यर्थियों को सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बॉल पेन रफ सीट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ सीट एवं बॉल पेन रखा जाएगा। मांगने पर रफ सीट प्रदान की जाएगी। लैब में उपलब्ध कराए गए ड्रॉप बॉक्स में रफ सीट डालनी होगी। तो इस बार रफ सीट जो है वो आपको ड्रॉप बॉक्स में वहाँ डालनी होगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। 7 नंबर की जो महत्वपूर्ण बात है क्या है, COVID-19 पुष्टि होने पर या बुखार खांसी आदि के लक्षण वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा स्थल पर प्रवेश द्वारा थर्मोगन से अभ्यर्थियों के तापमान की जांच की जाएगी और सामान्य से ऊपर तापमान वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपको बुखार फीवर है, 2 दिन पहले ही आप लोग दवा लेना शुरू कर लें, मेडिसिन अच्छा से दवा लें कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। डेस्क पर अभ्यर्थियों की तस्वीर ली जाएगी, हालांकि एहतियाती के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवंटित सीटों की ओर निर्देशित किया जाएगा। सामाजिक दूरी मापदंडों को सुनिश्चित कराने के लिए 2 अभ्यर्थियों की सीट पास पास होने पर अभ्यर्थियों को एक अन्य सीट सौंपी जा सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के प्रति उपस्थित भरने से पहले बाद में अपने हाथ को स्वच्छ करें। एक पारी के पूरा होने के बाद एक बार में एक अभ्यर्थी के क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। रफ सीट को अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लैब से निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में रखा जाएगा। और चलिए दोस्तों, तो यही आपको जो है COVID-19 स्वतः घोषणा पत्र जो है, जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये तो आपको हिंदी में दिया गया, इसमें दिया गया, देखिए, मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे कोरोना वायरस जांच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे COVID-19 के संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है और मुझे COVID-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। तो इसमें आपको अभ्यर्थियों का नाम, अभ्यर्थियों का रोल नंबर और परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा पाली, परीक्षा केंद्र का नाम और अभ्यर्थी का यहाँ हस्ताक्षर करना है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि आप यदि फोटोकॉपी निकालने जाएंगे एडमिट कार्ड का, तो आप फोटोकॉपी वाले को बोलेंगे कि हमको पूरा पेज निकाल के देना है जो COVID-19 का है। आपके एडमिट कार्ड के नीचे में भी आपका स्वतः घोषणा पत्र होगा। और आप इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में क्या कर रहा है ये देखिए, क्योंकि सब जगह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से विद्यार्थी परेशान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ नहीं है, एक आपको COVID-19 को लेकर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस और आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल कैरियर ऑफ COVID-19 वायरस एंड आई एम आल्सो हैड हैविंग ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू COVID-19। इसमें कैंडिडेट रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम सीट और वेन्यू नेम और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। और कुछ भी नहीं है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको उकताने की जरूरत नहीं है। और बहुत से विद्यार्थी परेशान थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया कि सब कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपके लिए कुछ नहीं है, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो को लाइक कर ले। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।